नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आपके मन में छोटी छोटी बातें घूमती रहती हैं, किसी के साथ अगर जरा सी भी बात को लेकर के कहा सुनी हो जाती है और वही बातें पूरे दिन दिमाग में चलती रहती हैं, आप उन बातों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं परंतु फिर भी आपको बहुत अधिक कठिनाई होती है, तो मैं आज इसका एक बड़ा ही सरल समाधान बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में जाते हुए आपकी गाड़ी एक इंसान से भिड़ जाती है और जिस इंसान से आपकी गाड़ी भिड़ी है वह आपसे बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है, वह अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। तो इस स्थिति में बौद्धिक स्तर पर आपका निर्णय क्या होना चाहिए? अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो आप इस ओर ध्यान देंगे कि उस इंसान से लड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपका समय पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना है। इसलिए उस इंसान के द्वारा आपको क्या कहा जा रहा है, इससे कहीं महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर यह बनता है कि कैसे भी करके आप उस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं ताकि आप इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंच सकें। आपको यह बात पता है कि इंटरव्यू देना आपके लिए एक सार्थक काम है, इसलिए आप उस इंसान के द्वारा कहे जा रहे अपशब्दों को महत्व नहीं दोगे। बस यही बात आपको अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के होने वाली परेशानी के संदर्भ में समझना है कि आपके पास कौन से सार्थक काम हैं जिन कामों को करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने जीवन में सार्थक कामों को महत्व देना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत अधिक विचार चलते रहते हैं वे विचार चलना बंद होने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ सार्थक कामों का चुनाव किया है जो कि छोटी छोटी बातों में विचार करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखते हो, जब भी आपके मन में किसी विषय को लेकर के बहुत अधिक विचार चलने लगते हैं तो खुद से प्रश्न करें कि मैं जिस विषय को लेकर के बहुत अधिक विचार कर रहा हूँ, क्या यह सार्थक है? क्या इससे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में और कुछ है जिसके बारे में मुझे विचार करना चाहिए? अगर आप जागरूक रह करके इस ओर लगातार ध्यान देंगे, अपने आप को सार्थक कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे, तो समय बीतने के साथ आप पाएंगे कि जो मन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको उलझाता है वे उलझने खत्म होने लगेंगी।